ये लो बेटा, दूध पियो और सो जाओ, सारी रात सोचती मत रहना, ठीक है? मेरे पास बैठे अम्मी। क्या बात है सोनी? बातें करते हैं। क्या बातें करें? आज रात ही मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ी और भयानक औरत तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और आज ही ये सब। मुझे भी ऐसा एक ख्वाब की तरह लगता है, एक चलता बुझता ख्वाब। इसे जरिए आपकी जिद्दी मोहब्बत ने रोशन कर दिया और उनकी सौतेली माँ की नफरत तारीख कर दिया। अम्मी आप रो क्यों रही है? सच पूछो बेटा, तो मैं तुम्हारी मुजरिम, सारा कसूर मेरा है। तुमने कितना मना किया था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, बार बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पर पता नहीं मेरी अकल पे क्यों पर्दा पड़ गया था। सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। ना मैंने ना तुम्हारे अब्बू ने कुछ देखा, माला ने झोंक दिया अपनी भूल जैसी बच्ची को जानों में अपने हाथों से। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप क्यों अपने आप को मुजरिम कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं है, और सच पूछे तो मुझे उस घर से निकाले जाने पर थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। मैं तो बस अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि जरिए उनकी जान बच गई। हाँ, सुबह तुम्हें मैं किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, तुम्हारा चेकअप भी तो जरूरी है ना बेटा। मैं राहिला को कॉल कर दूंगी, वो मुझे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके चली जाएगी। उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। अच्छा चले, बहुत रात हो गई, आराम करें। और एक बात और, बहुत हो गया सोगम, खत्म करो ये, और मैं तुम्हें ये काले कपड़े नहीं पहनने दूंगी। मेरा बच्चा जिंदगी की तरफ लौट के आओ तुम। गुड मॉर्निंग जुनेद, तुमसे कितनी बार कहा है बेटा नाश्ता शुरू किया करो, मेरा पेट ना किया। पापा आपको मालूम है कि मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करता। चलो बिस्मिल्लाह करो। तुम्हें मालूम है ना जुनेद, मैंने बचपन से तुम्हें कहा है कि हर सुबह एक नई खबर लेकर आती, और आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी खबर लाई। लगता है कोई खुशी की खबर है। मेरे लिए तो फिर बहुत बड़ी खुशी की खबर है बेटा। अलीशा की डेथ के बाद उसकी इंडस्ट्री को रन करने वाला कोई भी नहीं। लेकिन पापा वो प्रोजेक्ट तो इनकम्प्लीट है लोगों की नजर, बट बेटा उसकी तमाम मशीनरी साइट पर मौजूद, सिर्फ इंस्टॉलेशन की गेम है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो कंपनी हम खरीद लें? चाहता नहीं, मेरी ख्वाहिश भी है। इस तरह हम बहुत जल्द ऑपरेशन में आ गए, और आज इस कंपनी की डील के लिए तुम शाह इंडस्ट्रीज के ऑफिस जाओ। पापा एक बात समझ में नहीं आती कि वली शाह की डेथ के बाद उस कंपनी और इस प्रोजेक्ट को डील कौन कर रहा है? मिसेस वली शाह।
उसकी बीवी, तुमने उनसे डील करनी है और किसी भी सूरत में ये कंपनी खरीदनी है तुम्हें। तो क्या मतलब है, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, इस डील के लिए तुम अकेले जाओ, ये मेरी ख्वाहिश है क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है। हाँ, I love you. Love you too. चलो अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। जी मिस्टर कुरैशी, जिन लोगों को हमने ज़रियाब के बिजनेस की डील के लिए बुलाया था वो आ गए? जी मैडम, वो आ गए। अच्छा, उन्हें बोर्ड रूम में बिठाइए, मैं आती हूँ। बहुत बेहतर, मैं बिठा देता हूँ। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों ने इससे पहले भी किसी को वर्क किया? बैठिए बैठिए। थैंक यू। मिस्टर जुनेद, ये मिसेज वली शाह है। अब इस प्रोजेक्ट की शेयर यही डील करेंगे आपके साथ। माय नेम इज जुनेद। तो एक्सक्यूज मी मैडम, वो मैं अपने केबिन में फाइल भूल के आ गया हूँ, मैं भी लेके आता हूँ। थैंक यू। जी मिस्टर जुनेद, टी चलेगी या कॉफी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर डील फाइनल हो गई तो कॉफी चलेगी। दैट्स गुड। हमें पता चला है कि आप अपने प्रोजेक्ट को फौरन सेल करना चाहती हैं। जी, एक्चुअली हमने ये प्रोजेक्ट अपने बेटे ज़रियाब के लिए बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए जी डेथ हो गई है। So sad. मिस्टर जुनेद, आप तो जानते हैं एक बेटे के मरने का कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। मैं नहीं जानता, लेकिन आप नहीं जानती कि एक माँ के ना होने से एक बेटे को कितनी तकलीफ होती है। आपकी मदर? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। देखिए मिस्टर जुनेद, हम ये प्रोजेक्ट सेल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट में हमें किसी किस्म का लॉस हो। हम आपको लॉस नहीं होने देंगे। इवन आप अपना प्रोजेक्ट हमें ब्रेक इवन पे सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट के सामने वाली जो ज़मीन है वो भी हमारे पास ही है, तो हम इस डील के अंदर लैंड भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मिस्टर कुरैशी, आपका क्या ख्याल है, पैसे को लैंड में लगाना सही? मेरे ख्याल में ठीक है मैडम, कोई मसला नहीं। ठीक है मिस्टर जुनेद, हम लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आप 50% पेमेंट हमें एडवांस करेंगे। 50%? नो, 25%। नहीं मिस्टर जुनेद, मुझे एक्चुअली 50% पेमेंट चाहिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक्चुअली पैसों की अच्छी ज़रूरत है। ओके, आई विल गिव अ 50% एडवांस डील, लेकिन आपको पोजीशन देनी होगी और बाकी की जो बैलेंस रकम है
वो मैं एक साल का टाइम लूंगा उसके लिए। एक साल? नहीं, एक साल तो मिस्टर जॉन बहुत ज्यादा है। देखिए मिसेस वलीशा, आपने इस प्रोजेक्ट को सेल करने में जितना भी डिले किया, ये प्रोजेक्ट आपका स्क्रैप में जाएगा। तो आप देख लें, अगर मुझसे ज्यादा कोई अच्छे टर्म्स और कंडीशन में आपसे ये प्रोजेक्ट खरीदता है तब उसे देख लें। अरे बैठे जुनेस साहब, बैठे। मैडम मेरे ख्याल में जो जुनेस साहब ने ऑफर दिए वो ठीक है, हमें इसे कंसिडर कर लेना चाहिए। ठीक है मिस्टर जुनेद, आपके ऑफर हमें कबूल है तो ठीक है, लेट्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन अ नेक्स्ट मीटिंग, व्हाट डू यू से? यस श्योर। तो फिर हम कॉफी मंगवाएं? जो भी है मिसेस मार्गी वाला, पैसे में बहुत ताकत है, अगर पैसा पास है तो जीने का मजा ही अपना। जो लोग पैसे के बगैर खुशियों का तसव्वुर करते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रही है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं, पैसा ही पावर है। आजकल तो पैसे के बगैर दुख भी नहीं मिलते। दुख? नहीं, आज दुख की बात नहीं होगी मिसेस मांडवीवाला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मैंने एक बहुत बड़ी डील की है, मेरे पास पैसा भी है और प्रॉपर्टी भी। इस खुशी में मुझे नहीं भूल जाना मिसेस मांडवीवाला। पहले कभी भूली हो तुम्हें? पहले भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और अब भी रखूंगी। बस तुम्हें एक काम करो, सुहानी के घर का एक चक्कर लगा रहा। क्यों? सुहाने के घर का चक्कर लगाना बहुत जरूरी है ताकि हमें खबर रहे कि वहां हो क्या रहा है या मजीद क्या हो सकता है। हाँ मैं ठीक हूँ। सुहानी कहाँ है आंटी? बेटा अपने कमरे में ही है, जब से आई है वहीं बंद पड़ी हुई है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पता नहीं, एक दो बार गई तो थी मैं उसके कमरे में, लेकिन जब भी गई हूँ तो वो सो ही रही थी, शायद अब उठ गई हूँ। लेकिन आपने मुझे फोन पे तो कुछ बताया नहीं कि आंटी सायरा ने उसे घर से क्यों निकाल दिया। अंदर चल के बैठो, बताती हूँ कि क्या बात हुई। चलो। सुहानी, ये क्या सुहानी, तुम्हारी आंख में आंसू? सुहानी तुम रो क्यों रही हो? तुम तो अपना आखिरी आंसू बहा चुकी हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं आखिरी आंसू बहा चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आंसुओं का झरना है, प्लीज मुझे रोने दो। सो जाओ सुहानी, ठीक हो जाएगा।
सकीना, सकीना जी आई। आप इतनी जल्दी ऑफिस से? खैरियत तो है ना? हाँ, ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था मेरा, सुहानी के बारे में सोचता रहा, फिर अचानक ख्याल आया कि मुझे सुहानी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका चेकअप बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने राहिला को बुलवा लिया है, वही लेके जाएगी डॉक्टर के पास। तो साथ जाओगी ना? जी जी मैं साथ जाऊंगी। सकीना, सुहानी के बच्चे की हिफाजत और उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। अल्लाह करे उसके केस में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, एक यही तो उम्मीद रह गई उसके पास जीने की। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, और वैसे भी हमें उस कमीनी औरत की बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था, वो सब बकवास कर रही थी। आप बैठे हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।